पिछले लेसन में हमने यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स को ब्रीफली डिस्कस किया था। अब इन्हीं स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये सबसे पहला स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, जिसे कहते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। और क्योंकि ये ग्लोमरुलस की वजह से होता है, तो इसे कहा जाता है ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन ग्लोमरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर की वजह से होता है और ये तीन लेयर्स के थ्रू होता है। सबसे पहली एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमरुलर ब्लड वेसल्स, एपिथीलियम ऑफ वोमेंस कैप्सूल, और इन दोनों के बीच में होता है बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथीलियल सेल्स, वोमेंस कैप्सूल के एपिथीलियल सेल्स को पोडोसाइट्स कहा जाता है। ये पोडोसाइट्स एक इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होते हैं और इनके बीच में कुछ माइन्यूट यानी छोटे छोटे स्पेसेस रह जाते हैं, जिन्हें कि फिल्ट्रेशन स्लिट्स या फिर स्लिट पोर्स कहा जाता है। ब्लड इन पोर्स के थ्रू, इन पोर्स और इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू निकल जाता है, लेकिन प्लाज्मा के कुछ कंटेंट्स जैसे कि प्रोटीन्स जो कि कोलाइड्स होते हैं, ये इसमें पास नहीं हो पाते। इसीलिए इस स्टेप को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। उसके बाद ये फिल्ट्रेशन होता है क्योंकि प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग इन द ग्लोमरुलर कैपिलरीज ये ज़्यादा होता है प्रेशर फिल्ट्रेट के प्रेशर से वोमेंस कैप्सूल में। इसीलिए इस प्रोसेस में किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस प्रोसेस में किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती और ये कम्प्लीटली पैसिव प्रोसेस है। अगर GFR यानी कि ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिर जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है JGA यानी कि जक्स्टा ग्लोमरुलर अपरेटस, जिसके बारे में हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। अगर GFR गिर जाता है तो JG सेल्स रेनिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से GFR नॉर्मल हो जाता है। अब ये तो हुई फर्स्ट स्टेप की बात। इस स्टेप के बाद आता है सेकंड स्टेप, सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। करीब करीब 99% मटेरियल फिल्ट्रेट का एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ताकि शरीर में से वाटर, न्यूट्रिएंट्स या फिर आयंस किसी भी चीज़ का नुकसान ना हो सके। रीअब्सॉर्प्शन बेसिकली नेफ्रॉन के तीन एरिया में होता है। नेफ्रॉन पर सबसे ज़्यादा ये रीअब्सॉर्प्शन होता है PCT के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन LH के अंदर नहीं, या DCT या CT के अंदर नहीं, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन PCT के यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर होता है। अब डिपेंड करता है जिस मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होता है, ये रीअब्जॉर्प्शन या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की वजह से हो सकता है या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसी की वजह से, जैसे कि वाटर और यूरिया का ट्रांसपोर्ट पैसिव है। इसका मतलब इसमें किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस के द्वारा और यूरिया का एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, यानी कि ये सिंपली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। अब ग्लूकोस और अमीनो एसिड्स की बात करें, तो ग्लूकोस और अमीनो एसिड्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और सोडियम आयन यानी कि Na+ की बात करें, तो ये दोनों एक्टिव और पैसिव दोनों तरह से रीअब्जॉर्ब होता है। वाटर सभी पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, एक्सेप्ट असेंडिंग लिम्ब ऑफ LH के अलावा। ये भी एक ज़रूरी क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे। असेंडिंग लिम्ब ऑफ LH के अलावा वाटर नेफ्रॉन के हर पार्ट में एब्जॉर्ब होता है। करीब 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन PCT में ही हो जाता है। इसे कहा जाता है ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि ये तो हर कंडीशन में होगा ही होगा। इवन अगर बॉडी में वाटर की कमी हो रही है तो भी ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर PCT के बाद वाले एरियाज़ में LH, DCT, इन सब में कुछ हार्मोन्स एक्ट करें और बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन में कुछ हार्मोन्स वाटर का रीअब्जॉर्प्शन प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये रीअब्जॉर्प्शन ज़रूर होता है, इसलिए इसे कहा जाता है ऑब्लिगेटरी। इसके बाद PCT का काम होता है, ये pH और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है बॉडी फ्लूइड्स के, बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ आयंस, अमोनिया एंड पोटेशियम आयंस इनटू द फिल्ट्रेट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस फ्रॉम इट। इसका मतलब है कि PCT कुछ आयंस का सिक्रीशन, जैसे कि H+ आयंस, अमोनिया और K+ आयंस का सिक्रीट करता है फिल्ट्रेट में, और उनमें से बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3- को एब्जॉर्ब कर लेता है।
इसकी वजह से जब पीसीटी में फिल्ट्रेट होता है वो आइसोटॉनिक हो जाता है ब्लड प्लाज्मा के। अगेन ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, फिल्ट्रेट इन पीसीटी बिकम्स आइसोटॉनिक टू ब्लड प्लाज्मा, यानी कि फिल्ट्रेट और ब्लड प्लाज्मा की कंसनट्रेशन बिल्कुल सेम है। हेनलीज लूप की बात करें तो इसमें रीअब्सॉर्प्शन सबसे कम होता है। हेनलीज लूप का काम होता है सिर्फ ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। डिसेंडिंग लिप ऑफ एलएच वाटर को परमिएबल होता है पर इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्परमिएबल होता है। इसकी वजह से जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाता है उसका कंसनट्रेशन बढ़ जाता है, तो उसे कहा जाता है कंसनट्रेशन ब्लड प्लाज्मा के कंपैरिजन में बढ़ जाता है। तो इसीलिए डिसेंडिंग लिम्प ऑफ एलएच में फिल्ट्रेट इट बिकम्स हाइपरटॉनिक टू ब्लड प्लाज्मा। असेंडिंग लिम्प ऑफ एलएच में ये इम्परमिएबल होता है वाटर के, पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स को परमिएबल होता है और कुछ कुछ परसेंटेज में यूरिया को भी परमिट कर देता है। इसके जब फिल्ट्रेट इसके थ्रू निकलता है तो ये हाइपोटोनिक यानी कि इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है ब्लड प्लाज्मा के कंपैरिजन में। द फिल्ट्रेट बिकम्स हाइपोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। उसके बाद डीसीटी में एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है एनए प्लस और वाटर का। एनए प्लस का एब्जॉर्प्शन होता है एल्डोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ADH के इन्फ्लुएंस में। ये एब्जॉर्प्शन सिलेक्टिव होता है यानी कि कुछ कुछ कंडीशंस में ही डिपेंड होता है और डिपेंड करते हैं कंडीशंस पर। जब फ्लूइड डीसीटी से निकलता है तो ये आइसोटॉनिक हो जाता है ब्लड प्लाज्मा। आइसोटॉनिक यानी कि कंसनट्रेशन फिर से सेम हो जाती है ब्लड प्लाज्मा के। जबकि कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का और रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है और इसीलिए फिल्ट्रेट अल्टीमेटली बहुत ही कंसनट्रेटेड होता है और हाइपरटॉनिक होता है ब्लड प्लाज्मा के। इंटायर डक्ट परमीएबल होती है वाटर की और इसीलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट का वाटर अब्जॉर्ब कर ले जाता है ADH के इन्फ्लुएंस में और एन ए प्लस भी एल्डोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में। इस फिल्ट्रेट को अब यूरिन कहा जाता है और यूरिन अल्टीमेटली हाइपरटॉनिक होती है ब्लड प्लाज्मा के। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, यूरिन इज़ हाइपरटॉनिक टू ब्लड प्लाज्मा। अब यूरिन फॉर्मेशन में थर्ड स्टेप है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये होता है सिलेक्टेड मटेरियल्स का एडिशन ब्लड से अल्ट्रा फिल्ट्रेट में और उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। ये जनरली पीसीटी और डीसीटी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है और ऐसे केमिकल्स में रिमूव कर दिए जाते हैं कि फॉरेन बॉडीज आयंस मॉलिक्यूल्स जिनका जिनकी थोड़ी भी बढ़ना हमारी बॉडी में टॉक्सिक हो सकता है, ऐसे केमिकल्स को ट्यूबुलर सिक्रीशन के द्वारा रिमूव किया जाता है। पीसीटी और डीसीटी में एंटर करने के बाद ये केमिकल्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से मिक्स हो जाते हैं और आराम से यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा यूरिन फॉर्मेशन ख़त्म होता है। इस डायग्राम में आप अलग अलग एरियाज़ पे कौन कौन सा एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसे ध्यान से देख सकते हैं। जैसे कि पीसीटी में ऑलमोस्ट 70 to 80% एब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो रहा है। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का एब्जॉर्प्शन, असेंडिंग लिम्ब में इलेक्ट्रोलाइट्स का, इसमें भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है डीसीटी में ज़्यादा और कलेक्टिंग डक्ट में भी इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अल्टीमेटली यूरिन बन के आ जा रही है ये। अब इसमें एक बहुत ज़रूरी मैकेनिज्म इसमें काम करता है जिससे कि कहा जाता है काउंटर करेंट मैकेनिज्म। फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द लिम्ब्स ऑफ एलएच इज इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स काउंटर करेंट टू द फ्लो ऑफ ब्लड इन द टू लिम्ब्स ऑफ वासा रेक्टा। वासा रेक्टा और एलएच में ब्लड का फ्लो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है और ये इसको काउंटर करंट कहा जाता है। इस काउंटर करंट की वजह से और क्योंकि एलएच और वासा रेक्टा बहुत नज़दीक होते हैं एक दूसरे के, ये दोनों हेल्प करते हैं एक ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में इनर मेडुलरी इंटरस्टीशियम में। यानी कॉर्टेक्स की तरफ ये मेडुलैरिटी करीब 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है जबकि यही मोलैरिटी इंटरस्टीशियल मेडुला में ये करीब मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। ये ग्रेडियंट की वजह होती है जनरली NaCl और यूरिया। NaCl असेंडिंग लिम्ब ऑफ LH से ट्रांसपोर्ट करके डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से एक्सचेंज कर लिया जाता है और वापस इंटरस्टीशियम में रिटर्न कर दिया जाता है बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। जबकि कुछ यूरिया थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ LH से एंटर करके वापस से कलेक्टिंग डक्ट को वापस दे दिया जाता है।
ये मैकेनिज्म एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने में मदद करता है और इसकी वजह से ही वाटर का एब्जॉर्प्शन हो पाता है कलेक्टिंग डक्ट में ताकि यूरिन का कंसंट्रेशन आसानी से हो पाए। ह्यूमन किडनीज करीब करीब 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं जो कि इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है उससे। अब इस लेसन में अब इतना ही, अगले लेसन में हम बात करेंगे यूरिन रेगुलेशन ऑफ दिस किडनी किडनीज एंड और अदर ऑर्गन्स के रोल की और साथ में इससे एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर्स की भी बात करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।